नमस्कार, मैं प्रदीप प्रभाकर, आप देख रहे हैं मैंने एक्सप्रेस न्यूज। सुबह की पहली किरण के साथ ही हम आपको लाइव अपडेट देने के लिए आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। देखिए किस प्रकार जो देर रात तक कोसी नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा था, इस प्रकार यहाँ पे रतनपुरा पिपराही का जो आसपास आप देख पा रहे होंगे, जो तटबंध के पश्चिमी भाग जो बसे हुए लोग हैं, वो किस प्रकार उनका घर जो है पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और आपको एक बड़ी खबर बता दें कि अभी इसी जगह पर बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू पहुंचे हुए थे। साथ ही खबर आ रही है कि सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत भी जो है वो तटबंध के दौरे पर निकल चुके हैं। तो पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू बाढ़ आपदा को लेकर के जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है कोसी नदी में, हालांकि अभी जलस्तर जो है घटते क्रम में दर्ज किया जा रहा है, तो पीएचईडी मंत्री साहब क्या कुछ कर रहे हैं आप देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 3-4 दिनों से नेपाल क्षेत्र में भारी बारिश हुई है और मुझे लगता है कि ये 56 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि 7.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और ये इसके वजह से काफी बारिश के वजह से काफी भयावह स्थिति जो जरूर बनी हुई है, लेकिन शासन प्रशासन इस तरह से अलर्ट है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, कहीं किसी को डूबने नहीं दिया जाएगा, ये प्रयास चल रहा है। और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है, जगह जगह कैंप लग रहा है, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, राहत सामग्री का व्यवस्था किया जा रहा है, कोई कठिनाई नहीं होगी, हम ये भरोसा दिला सकते हैं और घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने देखा कि नीरज सिंह बबलू क्या कुछ कह रहे हैं बढ़ते जलस्तर को लेकर के, और उन्होंने जो मदद मिलनी चाहिए आम नागरिकों को उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। और साथ ही नीरज कुमार सिंह बबलू का जो अभी दौरा हुआ था उस पर स्थानीय लोग किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि मंत्री साहब आए और अपना एक फोटो खिंचवा करके निकल गए, लेकिन जो मदद मिलनी चाहिए थी वह उससे निराशा हाथ लगी है। जो यहाँ पे पीड़ित परिवार है उनको किसी प्रकार का मदद नहीं मिला है। तो देखिए नीरज कुमार सिंह बबलू और स्थानीय लोग इस दौरे पर क्या कुछ कह रहे हैं। कोसी नदी का तमाम उतार चढ़ाव घटते और बढ़ते जलस्तर के साथ ही जो तमाम अपडेट होगा हम आपके साथ जो है लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। मंत्री जी को कहना चाहिए, मंत्री जी को, हम तो अभी लेट से आए हैं, मंत्री जी लोगों को सबको कहना चाहिए कि यहाँ जितने लोग गरीब गुरुआ पांच के किनारे में अगल बगल घर बना के रह रहा है, ऐसा बार 68 के बाद इस बार आई है, सभी लोग तटस्थ हो गए हैं, सबका घर डूबा हुआ, सभी आप लोगों के बीच में है। अभी पिपराही 1 नंबर वार्ड में अभी आपका भवन है बना हुआ, इन लोगों को तत्काल रहने का और भोजन का व्यवस्था तो होना चाहिए। सबसे पहले मंत्री महोदय निकल चुके हैं, हम थोड़ा आने में लेट हो गया, मंत्री महोदय से मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को पैकेट का भोजन दे। गरीब गुरुआ गाछ पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, क्या यह भी हिंदुस्तानी नागरिक है? इन्हें भी कम से कम रहने के लिए भोजन का व्यवस्था करने के लिए आपदा भवन बना हुआ है पिपराही में, वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, यही मेरा अपील है। क्या नाम है? मेरा नाम भगेंद्र नारायण देव।